हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्रिसमस आ रहा है और सभी बच्चे इसको लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो आज मैं उन सभी के लिए लाई हूँ क्रिसमस केक। इसको आज हम बिना अल्कोहल और बिना एग के बनाएंगे और इसका टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा कि क्रिसमस केक का आता है। वैसे तो क्रिसमस केक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, पर आज इसको जिस तरह से हम बनाएंगे इसको बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं। क्रिसमस केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है ऑरेंज का जूस, ये लगभग 1 गिलास है। ये मैंने फ्रेश ऑरेंजेस का जूस लिया है। साथ में लिए हैं काजू, अखरोट, बादाम, पिंड खजूर, इनको छोटा छोटा कट कर लिया है। साथ में ली है किशमिश और इसी के साथ काली किशमिश। इन सभी को मैंने 50-50 ग्राम लिया है। सबसे पहले इन सभी को हम डालेंगे एक मिक्सिंग बाउल में। आप ड्राई फ्रूट अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं और इनको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, सभी को मैंने मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी ऑरेंज जूस, ये फ्रेश ऑरेंजेस का जूस है। ये पूरा जूस हम इन ड्राई फ्रूट्स में मिक्स कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से मैंने सारा मिक्स कर लिया है और इसको हम लगभग 8 घंटे के लिए सोक होने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 8 घंटे हो गए हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से सोक हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से ये फूल गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे अब्सॉर्ब हुए हैं। अब इसको हम रखते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए पैन को मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी शुगर, ये मैंने 1 कप शुगर ली है। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो ही रखेंगे और इसको इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हम तेज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो शुगर जलने लगती है। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको लगातार चला रही हूँ। शुगर थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लग गई है। इस तरह से हम प्रेस करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, इसे हमें लो ही रखना है। ये देखिए, इस तरह से मैं लगातार चला रही हूँ। ये अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसमें अब कोई शुगर क्रिस्टल नहीं है। अभी इसको हम इस तरह से लगातार चलाएंगे और थोड़ा सा और पकने देंगे। साइड्स को हम इस तरह से छुड़ाते जाएंगे। ये देखिए, चाशनी अच्छे से पक गई है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और अब इसमें मैं डालूंगी पानी। पानी हमें बहुत धीरे धीरे डालना है, नहीं तो छींटे आने का डर रहता है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी इसमें मैंने डाला है। इसको हमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। ये देखिए, सारा पानी इसमें मैंने डाल दिया है। इसमें लगभग 1/2 कप पानी डाला है। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें सारे बबल्स भी बैठ गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को फिर से ऑन करेंगे और इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखिए, इस तरह से लगातार मैं चलाती जा रही हूँ। इसमें बहुत ही अच्छे से हमें बॉईल आने देना है। ये देखिए, अच्छे से इसमें बॉईल आ गया है, ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। केक का बेटर बनाने के लिए उससे पहले हमें केक टिन को तैयार करना होगा। इसके लिए मैं इस तरह का शेप ले रही हूँ, आप कोई भी शेप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम चारों तरफ से अच्छे से ऑयल से ग्रीस करेंगे। ऑयल हमें बहुत अच्छे से चारों तरफ से लगाना है। ये देखिए, अच्छे से ऑयल इसमें लग गया है। तो अब इसमें मैं डालूंगी मैदा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डस्ट करेंगे और अब इसको इस तरह से हाथों से हिलाएंगे। इसके अंदर हमें फिंगर बिल्कुल नहीं डालना है। इस तरह से इसको मूव करते जाएंगे और चारों तरफ इसको डस्ट करते जाएंगे। ये देखिए, मैदा अपने आप चारों तरफ लगता जा रहा है। ये देखिए, बहुत अच्छे से लग गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैदे को मैंने निकाल दिया है। केक टिन हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको रखेंगे साइड में और अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे।
केक का बैटर बनाने के लिए इस तरह का मैं एक मिक्सिंग बाउल ले रही हूँ। अब इसमें सबसे पहले मैं रखूंगी इसके ऊपर छन्नी, और अब इसमें मैं डालूंगी मैदा। ये 2 कप मैदा मैंने लिया है। इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी बेकिंग सोडा 1 टीस्पून और साथ में 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन सभी को इस तरह से चलाते हुए अच्छे से छानेंगे ताकि ये सभी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने अच्छे से छान लिया है इसको और सभी अच्छे से मिक्स भी हो गए हैं। तो अब इसमें डालेंगे ऑयल। ये मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है। ऑयल को हम इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें आप डालेंगे दूध। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है। ये मैंने 1/2 कप दूध इसमें डाला है। ये देखिए अब अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसी के साथ इसमें डालेंगे कैरमलाइज की हुई शुगर, जिसको अभी हमने कैरमलाइज किया था। ये हमें थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और स्मूथ बैटर इसका हमें तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हमें तब तक मिक्स करना है जब तक एक स्मूथ बैटर ना तैयार हो जाए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, बहुत ही स्मूथ बैटर इसका तैयार हो गया है, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी, ये एकदम रेडी है। इसी के साथ मैंने OTG को प्रीहीट होने के लिए भी रख दिया है, उसको हमें 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना है। अब इसमें हम डालेंगे सोक किए हुए ड्राई फ्रूट। सभी ड्राई फ्रूट को देखिए मैं इसमें मिला रही हूँ। अब इसे हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। ये देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी टूटी फ्रूटी, ये भी लगभग मैंने 1/4 कप ली है। इसको डालकर हम एक बार फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बैटर अच्छे से रेडी हो गया है, सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी विनेगर, 1 टेबल स्पून विनेगर मैंने लिया है। इसको हमें सबसे लास्ट में ही डालना है जब हम बैटर को केक टिन में डालते हैं। ये देखिए एकदम रेडी हो गया है। अब इसको मैं ट्रांसफर करूंगी केक टिन में। ये देखिए सारे बैटर को मैंने केक टिन में डाल दिया है। अब इसको हमें इस तरह से अच्छे से टैप करना है 2-3 बार, ताकि इसमें कोई एयर बबल ना रहे। अब इसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कोई भी डाल सकते हैं। ये काली किशमिश को भी मैं इस पे थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ और इसी के साथ इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। ये एकदम रेडी हो गया है। तो अब इसको हम रखेंगे OTG में लगभग 1 घंटे के लिए। लगभग 1 घंटा हो गया है, हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैं इस तरह की टूथपिक का यूज कर रही हूँ। इस तरह से हम डाल के देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल क्लीन है, मतलब कि बन गया है। अब इसको हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे लगभग 2-3 घंटे के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको हम अनमोल्ड करेंगे। ये देखिए केक पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से एक प्लेट रखूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने प्लेट रखी है। अब इसको हम उल्टा करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा टैप करेंगे। टैप करने से केक बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए कितना आसानी से निकल के बाहर आ गया है। इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बनकर बाहर आया है। इसी के साथ क्रिसमस केक बनकर तैयार हो गया है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।